देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। पंडित जी बच्चों से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शालाओं में विभिन्न कार्यक्रमों और बाल मेलों का आयोजन किया जाता है। बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों ने खान पान एवं मनोरंजन के विभिन्न स्टॉल लगाए। बच्चों, स्टाफ के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। खरगोन शहर में बाल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में अलकलम स्कूल में भी परंपरागत तौर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली स्टाफ बच्चों के अलावा बच्चों के परिजन ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने बताया कि बौद्धिक विकास सहित बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए स्कूल में समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज प्रदर्शनी लगाई गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वो इन चीज़ों में भी अपना टैलेंट दिखा सकें। तो अलकलम स्कूल में जो है इसी तरह से हर साल प्रोग्राम मनाए जाते हैं और टीचर स्टाफ जो है बहुत ही मेहनत और लगन से ये काम करते हैं और यहाँ के जो होनहार काबिल बच्चे हैं वो भी जो है इसी तरह से अपने टैलेंट शो करते हैं। मैं सैयद अकबर अली। आज चिल्ड्रंस डे पर बच्चों को साइंस एग्जीबिशन इसलिए लगवाया गया ताकि बच्चों को साइंस के बारे में नॉलेज हो, बच्चे वर्किंग मॉडल्स बनाएं, तो बच्चों को इस बारे में पता हो कि हमारे प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, तो बच्चे प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सीखें, समझें। इस वजह से आज हम लोगों ने बच्चों से साइंस एग्जीबिशन लगवाया। बच्चों ने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी इन सारी चीज़ों का देखते हुए प्रोजेक्ट बनाए। बच्चों का मेन उद्देश्य ये था कि जैसे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, माहिर से ये इसके पीछे उद्देश्य है कि जैसे आज बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और बच्चों के द्वारा ये सारे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट शो किए, जिसमें जजेस ने कॉलेज के जो हमारे गेस्ट थे वो आए और उन्होंने इसको चेक किया और बहुत ही सराहा उन्होंने कि बच्चों ने बहुत ही मेहनत और कोशिशों से ये काम किया है टीचर्स के गाइडेंस में और इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने जो है स्टॉल वगैरह लगाए हैं तो जिसमें जिसको रुचि और अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो ये काम करते हैं और टीचर्स दिस इज द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। दिस आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। All planets revolve around us, sun through orbits. This is sun. Sun is the center of our solar system. This is Mercury. Mercury, it is very small planet. This is the second planet is Venus. The third planet is Earth. Earth is the planet is where life is possible. This is the fourth planet is Mars. It is called. My name is Fatima Arshad Khan. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।